एवरीवन, वेलकम टू अ कुर्ती हॉल आफ्टर अ ईयर। ये थोड़ा मजबूरी वाला कुर्ती हॉल है बिकॉज मेरे इतने सारे फैमिली फंक्शंस हो गए एंड मेरे पास पहनने को कुछ नहीं था, तो मम्मी की कुर्तियाँ और ड्रेसेस पहन के गई हूँ। तो मैंने खुद के लिए कुछ 8 कुर्तियाँ ली इंडिया से, जो आई थिंक फैब अली का एक ब्रांड है। एंड लेट्स बिगिन दिस हॉल। सारे के सारे कुर्तीज डिफरेंट है कलर में, थोड़ा सा प्रिंट में। दिस इज लाइक अ गुड कलेक्शन ऑफ 8 कुर्तीज। तो सबसे पहला कुर्ती है ये वाला जो मैंने पहना हुआ है। इट्स स्लीवलेस ब्लू कलर का कुर्ती, शॉर्ट लेंथ है, बट फिटिंग इसकी कितनी सही है मालूम है। यूजुअली क्या होता है कि अगर अपर बॉडी से कुर्ती सही फिट आती है ना, तो वेस्ट से भी स्ट्रेट कट होता है, बट इसमें अपर बॉडी से अच्छा खासा फैब्रिक है एंड देन वेस्ट पे स्लिम डाउन हो जाता है, फिर नीचे से वापस खुल जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई लव इंडिया कुर्तीज। सेकेंड कुर्ती आई बॉट इज दिस पिंक कलर की कुर्ती, जो काफ़ी लॉन्ग है लेंथ में। एंड ये कुर्ती देख के मुझे दीपिका पादुकोण की याद आती है। आई डोंट रिमेम्बर विच मूवी, आई थिंक ये जवानी दीवानी में भी एंड में शी वोन समथिंग लाइक दिस। एंड इसका भी फिटिंग सेम है, वेरी वेल फिटेड फ्रॉम द अपर बॉडी एंड गिविंग अ गुड शेप टू द वेस्ट, तो मुझे टेलर के पास नहीं जाना पड़ेगा। You make me crazy in that good way, so come on baby, let's talk about love. थर्ड कुर्ती इज अ प्लेन येलो कलर। प्लेन कुर्ती इसमें बहुत हैंडी आते हैं, इसके ऊपर चंकी सिल्वर ज्वेलरी बहुत सही लगता है। इसका फिटिंग मेरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे है बिकॉज इसमें स्लीव्स है, तो शोल्डर से टाइट हो रहा है, बट नॉट दैट टाइट ऑल्सो कि मैं नहीं पहन पाऊंगी। सो चल गया मेरे को ये वाला भी। जो भी स्क्रीन पे प्राइसेस देख रहे हो, दे नॉट द ओरिजिनल प्राइसेस, ये डिस्काउंटेड प्राइसेस है। आई बॉट देम डायरेक्टली फ्रॉम फैब अली का ऐप, तो वहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था, बट आई थिंक अमेजोन एंड मिंत्रा पे भी देर आर गुड डिस्काउंट्स ऑन इंडिया ऑलवेज। यूजुअली मैं इंडिया से डिसअपॉइंट नहीं होती, बट ये एक कुर्ती है जो देख के आई वेंट लाइक डू आई लाइक इट, क्योंकि पिक्चर में इसका कलर और ब्राइट लग रहा था काफ़ी, एंड इसका जो ये लेस है ना, आई डोंट लाइक इट दैट मच। मतलब मुझे इतना रॉयल फीलिंग नहीं दे रहा जितना फ़ोटो में दे रहा था। सो आई एम लाइक ठीक है, अगर रिटर्न करना होता ना बहुत सारा सामान तो मैं कर देती, बट ये एक कुर्ती के लिए मैं रिटर्न की झंझट मारी नहीं कर रही। तो आई विल मेक इट वर्क विद गोल्डन पैंट्स। ये उनका निखिल थंबी कलेक्शन से है, तो आई डिडंट लाइक इट दैट मच, आई लाइक द नॉर्मल स्टफ मोर एक्चुअली। लव द कट ऑफ द लास्ट कुर्ती, मतलब उसका जो फ्रॉक टाइप कट है ना, अच्छा था, क्योंकि वेस्ट कॉस वो एक्सेंचुएट करेगा, अच्छा शेप देगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बॉट सेम कुर्ती लेकिन एक प्लेन डार्क ब्लू कलर में, क्योंकि मेरी मॉम के पास ना डार्क ब्लू कलर के शरारा पैंट्स है सेम कलर सेम ब्रांड से, तो दिस विल गो परफेक्टली विद द शरारा एंड एकदम मॉडर्न आउटफिट बन जाएगा। मतलब लहंगा नहीं पहनना या टिपिकल कुर्ता लेगिंग्स नहीं पहनना, तो दिस एंड द शरारा विल लुक वेरी नाइस। दिस इज द ओनली कुर्ती जो मेरे साइज की नहीं मिली, तो मैंने एक दो साइज बड़ा ले लिया एंड इसको मुझे फिट कराना पड़ेगा। पर अगर फिटिंग ना कराना हो तो उनके पास ना बेल्ट्स थे, मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल बेल्ट का कॉन्सेप्ट देखा, तो आई बॉट द बेल्ट। अभी यहाँ पे मेरे पास हाथ में नहीं है, बट आई इंसर्ट अ पिक्चर हियर सो यू अंडरस्टैंड हाउ इट लुक्स। तो उसको पीछे से बांधना होता है। इट इज़ अ लिटिल बिग फॉर मी, बट मैनेजेबल है एंड आई रियली लाइक इट, क्योंकि काफ़ी बार कुर्तीज एंड मोमेंट पे मालूम पड़ता है कि स्लाइटली लूज है, तो टेलर के पास भागने के बजाय यू विल हैव अ बैकअप ऑप्शन फ्रॉम नाउ ऑन। तो आई रियली रिकमेंड दिस बेल्ट, इट्स अ गुड वन। Everything about you.
नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट, मुझे लगा था ये कुर्ती है बट ये फुल ऑन ड्रेस टाइप लग रहा है आफ्टर आई वोर इट. तो इट्स दिस पिंक कलर का लॉन्ग, लाइक वेरी वेरी लॉन्ग कुर्ती. आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड क्योंकि फ़ोटो में ना इसका जो वाइट कलर का ब्लॉक प्रिंट है वो और उठ के आ रहा था, एंड एक्चुअली लाइक रियलिटी में बहुत ही डल लग रहा है प्रिंट, ऐसा आँख में अच्छे से दिख नहीं रहा. बट अगर मैं उसको साइड पर रखूँ तो इसकी फिटिंग इज़ नाइस, मतलब एक मैक्सी ड्रेस जैसा दे दिया है. एंड अलॉन्ग विद दिस एक जैकेट भी आया है जो इसके साथ मॉडल ने पहना था. मॉडल पे अच्छा लग रहा है बट मेरे पे ये जैकेट अच्छा नहीं लग रहा है विद दिस कुर्ती. तो ये जैकेट को मैं किसी और कुर्ती के साथ पहनूंगी, एंड इसको तो एज इट इज ही पहनना है फॉर श्योर. आई थिंक दिस इज़ मोर लाइक अ डे टाइम लुक, ये शायद कोई संगीत में चल सकता है बट नॉट फॉर अ वेडिंग गेस्ट, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही सिंपल हो जाएगा. एंड दिस इज़ द जैकेट, थोड़ा कफ्तान टाइप है, एकदम डिस्टिंक्ट स्लीव्स नहीं है इसके, ये इसके स्लीव्स है. एंड जैकेट के अंदर ना अटैचमेंट दिया गया है कि आप अपने कुर्ती को इसमें लॉक कर सकते हो तो ये जैकेट गिरेगा नहीं बार बार. दैट फीचर वॉज रियली थॉटफुल, वेरी नाइस ऑफ देम. Never was the last word that I heard you say before you hung up the phone. Silence. Second last कुर्ती वो येलो कुर्ती से बहुत सिमिलर है शेप में, लाइक आई थिंक उसका कट लिटरली सेम है बट इसके ऊपर ना सिल्वर ऐसे फ्लोरल प्रिंट्स है, ब्लॉक प्रिंट्स है जो रिफ्लेक्टिव है थोड़े से. द कलर इज टू डाई फॉर, बहुत पसंद आया मेरे को ये. तो आई एम प्लानिंग कि मैं ना ऑफिस या यू नो डेली वेयर में भी ये पहन सकती हूँ विद लाइक ब्लैक जीन्स. ये कुर्ती झुमके एंड बिंदी बहुत सही लग thread and the words you said is spinning in my head I just wanna pull you closer in this bed take me back. And the last kurti is one of my favorites after this blue kurti, same Deepika Padukone wala kurti, like iska jo cut hai na आई लव्ड इट. तो आई थिंक इसमें ये दो ही प्रिंट्स थे उनके पास तो मैंने ये दोनों ले लिए. मैंने एक्चुअली इंडिया से कभी कुछ रिटर्न किया नहीं है तो आई डोंट नो कि उनका रिटर्न पॉलिसी कैसा है, ईजी है या डिफिकल्ट है, बट इट हैज़ टर्न आउट वेल फॉर मी. अगर आप साइज चार्ट फॉलो करोगे ना तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा. Say it, you know I'll do it, yeah. I don't believe it, no. Just last week you called me your babe, and now you're letting go. The way you're talking is driving me. So this is what I bought for myself. कुछ छोटे मोटे family functions के लिए मैंने actually wedding guest outfits के लिए भी थोड़ी बहुत shopping की है. तो अगर आपको वो देखना है तो let me know down below. तो मैं पूरा video बनाऊंगी एक wedding guest outfit के ऊपर. And if you enjoyed watching this video, then if you could please DM India on Instagram ki collaborate with Hailey Waith, please collaborate with Hailey Waith because I've reached out to them multiple times and उन्होंने reply नहीं करते. And I am obsessed with the collection. So if you could do this for me, तो बहुत help हो जाएगी. I can make so many more traditional videos for you, and that would mean a lot to me. I'll see you in the next video. Until then, goodbye.